एंड सायमन अवी सिद्दीकी एंड यू आर वॉचिंग माई कुकिंग चैनल कुक विद सायमन अवी सिद्दीकी। आज मैं बनाऊंगी रेड वेलवेट केक, स्पेशली मेरी छोटी बेटी है जैनब, उसकी बर्थडे के लिए। तो मैंने 2 कप मैदा लिया था, इसको छान के रख लिया है, 2 कप रेगुलर घर की चीनी ली थी, 1 कप ऑयल लिया था, 3 रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए हैं, 1 कप नीम गरम दूध लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून डाल के इसका बटर मिल्क तैयार करूंगी, 1/2 कप मैंने कोकोआ पाउडर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें रेड फूड कलर यूज़ करूंगी, रू ऑफ द एसेंस यूज़ करूंगी और वनीला एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करूंगी। सबसे पहले स्टेप में हम अपने अंडों और चीनी को बीट करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी लिया है। सबसे पहले हम अपने अंडों की बीटिंग स्टार्ट कर देंगे। दूध में मैं सिरके को डाल के इसका बटर मिल्क तैयार कर लूँगी, ये रेडी होगा तो देर में हमारे अंडे बीट हो जाएंगे। बीटिंग के दौरान ही इसे मैं थोड़ी थोड़ी करके घर की दानेदार चीनी 2 कप पहले ली थी ये ऐड करूँगी, दोबारा से चीनी ऐड करेंगे हम इसमें। रिवर्स हमारे अंडे और चीनी काफ़ी हद तक बीट हो गए हैं, अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। पहले हम थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, फिर पूरा ऑयल ऐड कर देंगे। हम अपने मैदे में 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 2 कप पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जी बस हमारा ड्राई इंग्रीडियंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अपने अंडों के मिक्सचर में बटर मिल्क ऐड कर देंगे सारा एक साथ और फिर दोबारा से बीट करेंगे। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, ये रू ऑफ द एसेंस है, बाजार में मार्ट्स में सुपर स्टोर वगैरह में आसानी अवेलेबल होता है। 1/2 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे क्योंकि रेड वेलवेट केक है और रू ऑफ द एसेंस डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अब इसमें हम रेड फूड कलर आप अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं डालेंगे और दोबारा से इसकी बीटिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने इसमें 6 से 7 ड्रॉप्स रेड फूड कलर के डाले हैं। अब बैटर बीट हो चुका है, अब मैं बीटिंग मशीन को ऑफ कर दूंगी और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। ये भी बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सर डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। बाकी सारा भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं डाल दूंगी, आप इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड करें। थोड़ा सा फूड कलर में मज़ीद ऐड कर रही हूँ, मुझे कुछ कम महसूस हो रहा है, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें ऐड करें। जी व्यूअर्स, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सिर्फ और सिर्फ रू ऑफ द एसेंस डालने की वजह से। अपने माउल को ग्रीस करके रख लिया था, पैन को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम अपने पैन में बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे और इसे बेक होने के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स, अब मैं इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से स्कीवर की मदद से इसके एयर बबल्स निकाल लूँगी और इसे बेक होने के लिए 40 से 45 मिनट्स के लिए रख दूंगी। बेक होने के लिए रख दिया है 5 मिनट्स, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ 5 मिनट्स मैं इसे दरमियाने आंच पर रखूंगी, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आऊंगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसको बेक होते हुए 45 से 50 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने अभी अभी इसका फ्लेम ऑफ किया है, हमारा केक मुकम्मल तौर पर बेक हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसकी आइसिंग स्टार्ट कर। जी व्यूअर्स, जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आएगा मैं इसकी आइसिंग स्टार्ट कर दूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा केक हमारा बेक हुआ है। अब मैं इसकी क्रीम को व्हिप करूँगी, अब इसकी व्हिपिंग क्रीम से आइसिंग स्टार्ट कर दूँगी। मैं केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 1/2 बाउल से भी कम मैंने दूध लिया था, नीम गरम दूध, इसमें मैं थोड़ा सा लाल शरबत ऐड कर दूंगी केक को सोक करने के लिए और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। केक का एक हिस्सा लेंगे मैंने ये दूध और लाल शरबत को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको सोक करना स्टार्ट कर दूंगी। चारों तरफ अच्छी तरह से इसके हम दूध लगाएंगे, उधर मैंने अपनी क्रीम को भी व्हिप होने के लिए रख दिया है।
करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले भी मैंने पिछले चार वीडियोज में क्रीम मिक्स करने की रेसिपी बता चुकी हूँ, इसको मैं कंप्लीटली नहीं बता। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको 12 मिनट हो चुके हैं इसको मिक्स करते हुए, ये तकरीबन विप हो चुकी है आप देख सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और केक की आइसिंग स्टार्ट कर दूंगी। व्यूअर सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्रीम लेकर अपने केक की टॉपिंग स्टार्ट कर दूंगी। इसके ऊपर अब हम अपने केक का दूसरा पीस रख देंगे और इसको हम तो मैंने दूध और रेड शरबत और दूध मिक्स किया था उसे सोक कर लेंगे अच्छी तरह से केक को चारों तरफ से। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर दिया है अपने केक को और लेबल भी कर दिया है। केक की आइसिंग मैंने कर दी है, अब जो बाकी बची हुई क्रीम थी उसमें मैं रेड फूड कलर ऐड करूंगी और इसको हम एक दफा दोबारा से व्हिप करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, थोड़ी सी ये मेल्ट हो गई है, इसको मैं अपनी केक केक के बीच में लगाऊंगा। बीच में हम इसके ये लगाएंगे, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर और ऐड करके इसकी साइडों की डेकोरेटिंग करूंगी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसके चारों तरफ इसको फैला दूंगी। व्यूअर्स अभी मैंने जो क्रीम ली थी साइडों में इसके इस तरह से थोड़ी थोड़ी डेकोरेटिंग कर। व्यूअर्स आप देख सकते हैं केक को मैंने सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मेरी बेटी जवी इसकी डेकोरेटिंग कर रही है, ये इस पे चॉकलेट जो होती है बाजार में बासानी अवेलेबल होती है ये इस पे सेट कर रही है। व्यूअर्स इसको हमने चेरी से भी डेकोरेट कर दिया है और मैंने बताया था कि मेरी छोटी बेटी जैनब मुबीन की बर्थडे है आज, तो 8 ईयर्स की हो गई हैं, उनकी बर्थडे का केक है ये। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।